हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट क्लासेस में। और मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं अल्टीमेट क्लासेस के थ्रू। मुझे बहुत अच्छा मिला है और सुनील सर की तरफ से भी जो मौका मिला है कि मैं आप लोगों को पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाऊं, ठीक है। तो मैं नंबर सिस्टम तो पढ़ा ही रहा हूं अभी आप लोगों को, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वो मत करा करिए कि जय अभी क्लास नहीं ले रहे हैं, सर कब क्लास लेंगे। तो मैं आपको क्लासेस लेता रहूंगा और आप लोगों को अब लंबे लंबे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करता करिए, अपने दोस्तों से लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो आप लोग। अगर आप लोगों को क्लासेस चाहिए तो बेसिकली आप लोग लाइक करो, ठीक है ना। मुझे बेसिकली क्या होता है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन और मिल जाता है कि हाँ अब और वीडियोस बनानी है, एक दिन में दो वीडियोस बनानी है, एक दिन में तीन वीडियोस बनानी है, ठीक है ना, लंबी लंबी वीडियोस बनानी है। तो बेसिकली आप लोग अगर लंबी वीडियोस चाहते हो तो आप लोग लाइक करो, ठीक है, कमेंट करो, ठीक है। अगर कि चाहिए सर मुझे लंबी लंबी वीडियो चाहिए, ठीक है, तो कमेंट करो, मैं अगर कमेंट देखूंगा कि अगर लंबी लंबी वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी लंबी और एक से डेढ़ घंटे की भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसमें अभी तक हम लोग यूनिट डिजिट सारी पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम या हिंदी में बोले शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ी सी अच्छी थ्योरम है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। रिमाइंडर थ्योरम और यूनिट डिजिट सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ सवाल पूछ के आपसे हो जाएगा, आपके हर एक क्वेश्चन, आप जो भी पूरी मैथमेटिक्स पढ़ोगे, आप रिमाइंडर थ्योरम लगा करके बेसिकली उस चीज का आंसर अगर कोई नहीं निकल रहा है तो आप रिमाइंडर थ्योरम या यूनिट डिजिट लगा करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। हम लोग यहां पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, या आप लोग हेडिंग डालिए शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, या डाल लीजिए शेषफल प्रमेय, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, और बहुत कुछ है इसमें, छोटी सी चीज नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है। और हम लोग साथ में पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के रूल, डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ेंगे या भाषा के नियम। और हम लोग जो भी डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ेंगे या भाषा के नियम पढ़ेंगे उनको लिंक करने की कोशिश करेंगे किससे, रिमाइंडर थ्योरम से अपनी, ठीक है। जैसे मैंने आपसे एक बहुत छोटी सी चीज बोली सात और इसको डिवाइड बाई टू इस तरह से किया, और मैंने आपसे बोला रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है, देखिए रिमाइंडर बोले या शेष बोले एक ही बात है, मैं रिमाइंडर बोलूंगा हमेशा, आप लोग शेष समझ लीजिएगा हिंदी वाले, ठीक है ना। मैंने बोला रिमाइंडर क्या है, तो हमें यहां से देख बेसिकली पता चल रहा है सीधे सीधे कि रिमाइंडर हो जाएगा वन, रिमाइंडर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझिएगा, कुछ लोग यहाँ पे बहुत बेसिक वाला जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वही करेंगे, तो दो तिहाई छः हो जाएगा और यहाँ पे शेष कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब हमें हर बार ये मेथड इस्तेमाल नहीं करना, ये मेथड इस्तेमाल नहीं करना, ठीक ना। हम लोगों को कुछ कैलकुलेशन अपने माइंड में भी करनी है, तो देखना है दो तिहाई छः हो गया, दो तिहाई तो छः हो गया और एक हमारा रिमाइंडर बच गया, तो हमने रिमाइंडर यहाँ से निकाल लिया वन, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल था जो हम लोग ऐसे करेंगे। देखिए जो ये बचता है आखिरी में उसे कहते हैं शेष, क्या कहते हैं, शेष, या फिर इंग्लिश में बोले रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग बताइए, भागफल कहते हैं, क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, या फिर हिंदी में बोल इंग्लिश में बोले कोशेंट कहते हैं, कोशेंट कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है उसे कहते हैं भाजक, क्या कहते हैं, भाजक, या फिर बोल इंग्लिश में बोले, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, हल्के में मत लीजिएगा, डिवाइजर कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं डिवाइजर, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है इसे कहते हैं आपका भाज्य, भाज्य कहते हैं, या इंग्लिश में बोले तो डिविडेंट, डिविडेंट कहते हैं, ठीक है। अगर हमें कभी बोला जाए कि डिविडेंट निकालने को बोला जाए, डिविडेंट निकालने को बोला जाए, तो डिविडेंट का फॉर्मूला होता है, डिविडेंट बराबर हो जाएगा आपका डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर हो जाएगा। ये समझ रहे होंगे आप लोग। अगर हम लोग बोले हिंदी में बोले तो मैं बोलूंगा कि जो है भाज्य बराबर, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं मैं, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको बाद में कराऊंगा कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको बाद में कराऊंगा। अभी आप लोग रिमाइंडर थ्योरम पे ध्यान दीजिए कि रिमाइंडर जो हमारा बचता है वो हमें हमेशा निकालना होता है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है, बहुत आसान लेवल के नहीं आते, बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। हम लोग वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको यूनिट डिजिट पढ़ाई है,
आगे चलते हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे और डिविजिबिलिटी रूल के थ्योरम हम जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालते हैं, ठीक है, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो दो का रूल है, सबसे पहला जो डिविजिबिलिटी रूल है वो टू का रूल है। अच्छा, जीरो और वन का क्यों नहीं निकालते? अगर किसी संख्या को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो मैथमेटिक्स की भाषा में उसे अनडिफाइंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनडिफाइंड बोला जाता है, ठीक है ना। अगर आप जीरो को भी जीरो से डिवाइड करते हो तो वो अनडिफाइंड नहीं होता, वो होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। क्या होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। जीरो अपॉन जीरो की जो फॉर्म होती है वो कैसी फॉर्म होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। मैथ में, मैथ में इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात करें तो सात फॉर्म होती है, ठीक है ना। मैं आप लोग कभी अलग से लेक्चर बना दूंगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में, वो आपके कोर्स में नहीं है, वो बेसिकली आईआईटी में होता है, ठीक है। मैं आपको बना दूंगा एक लेक्चर, ठीक है, आजकल में ही बना दूंगा या संडे को दे दूंगा आपको। अभी हम लोग पढ़ते हैं दो की डिविजिबिलिटी रूल। मतलब अगर बोला जाए आपसे, कोई भी संख्या दे दी जाए, ये कोई भी संख्या दे दी गई है मान लीजिए, और बोला जाए क्या वो संख्या दो से डिवाइड होगी, क्या वो संख्या दो से डिवाइड होगी, तो क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे ये जो संख्या लिखी हुई है ये दो से पूरी तरह डिवाइड है? बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा या इकाई का स्थान होगा, उसको दो से भाग करके देख लेंगे। अगर ये यूनिट डिजिट जो है वो पूरा दो से डिवाइड हो जा रहा है तो ये जितनी भी पूरी संख्या लिखी हुई है ये पूरी की पूरी दो से डिवाइड हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग, अपने भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं, जैसे मैंने लिखा है आपको 7 8 9 9 5 4 7 3 2 41 0 5 9 9 7 8 9 2, ठीक है, 9 यहां पे मैं 6 लिख देता हूं, ठीक है। मैंने पूछा क्या ये जो इतनी बड़ी संख्या लिखी है मैंने, क्या ये दो से डिविजिबल है? क्या ये जो संख्या है ये दो से डिविजिबल है, बताइए आप लोग, क्या ये संख्या दो से डिविजिबल है? तो आप लोग क्या करेंगे, मैंने जैसे अभी बताया है कि इसकी सिर्फ यूनिट डिजिट देख लीजिए, इसकी यूनिट डिजिट हम लोग देख लेंगे। यूनिट डिजिट क्या है? 6, ठीक है, यूनिट डिजिट 6 है। 6 क्या दो से पूरी तरह डिवाइड हो जा रही है? पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए, तो 2 3 6 और शेष में कितना बचा? 0। मतलब हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई संख्या पूरी तरह डिवाइड है? जब शेष में 0 बच जाए। तो हाँ, मैंने देखा जो 6 है वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है। अगर इसकी यूनिट डिजिट, अगर इसकी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट या हिंदी में बोले इकाई का स्थान, इकाई का स्थान बोले, अगर इस संख्या की इकाई का स्थान अगर 2 से पूरी तरह डिवाइड है तो ये यहां से लेकर यहां तक पूरी संख्या लिखी हुई है ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। समझ गए आप लोग? तो हमने देखा कि जो 6 है वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रही है, इसका मतलब जो पूरी संख्या लिखी हुई है ये भी 6 से, ये भी 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। बस इतनी सी बात थी। अब यहां शेषफल की बात आती है, शेष क्या होगा? अगर इस कंडीशन में बात करें तो जो शेष होगा ना बच्चे, जो शेष होगा वो 0 होगा। शेष क्या होगा? 0 होगा। अगर मैं यहां पे दो एक और एग्जांपल लिख देता हूं, यहां पे मैं 6 की जगह 7 कर देता हूं, यहां पे मैं 6 की जगह 7 कर देता हूं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये जो संख्या लिखी हुई है ये 2 से डिवाइड होगी? तो मैंने देखा अगर 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 3 6 हो जा रहा है और 1 शेष बच जा रहा है। कितना? 1 शेष बच जा रहा है। तो ये पूरी संख्या जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 7 जो है, जो इकाई का अंक है, वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं शेष क्या आएगा। अगर आप इस पूरी संख्या को 2 से डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा शेष निकालने में। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसका यूनिट डिजिट पकड़ना है और उसे 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 3 6 और शेष कितना आ गया? 1 आ गया। शेष जो हमारे बात करेंगे, अगर शेष की बात करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। इस पूरी संख्या को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो भी शेष आएगा, वही आएगा, और इस पूरी संख्या के इकाई के स्थान को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो भी शेष वही आएगा। समझ गए होंगे आप लोग इतनी बात। आगे बात करते हैं, अब हम लोग रूल पढ़ेंगे 4 का, 4 का रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। अच्छा, 4 का रूल क्या कहता है बेसिकली समझिएगा। मैंने 2 में बताया, 2 में क्या करते हैं हम लोग, इकाई का स्थान चुन लेते हैं, मतलब एक अंक चुन लेंगे राइट हैंड साइड से। इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें कोई संख्या लिखी हुई है इतनी बड़ी, मान लीजिए 9 9 5 4 7 3 2 4 1 0 5 9 4 7 8 7 6 लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने कोई और संख्या लिख दी है आपके सामने, ठीक है, और मैंने बोला क्या ये इतनी बड़ी संख्या है ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, क्या ये संख्या पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप नहीं बता पाओगे। आप क्या करोगे, 4 से भाग करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अब तो 2 वाला मैटर लगेगा नहीं, 2 वाला सिर्फ 2 में लगता है।
लेकिन यहां पे क्या लगेगा, अच्छा चार को क्या लिख सकते हो एक बताइए, चार को हम लिख सकते हैं दो की पावर दो लिख सकते हैं, चार को क्या लिख सकते हैं दो की पावर दो लिख सकते हैं। अच्छा दो को क्या लिख सकते थे, दो को लिख सकते थे दो की पावर वन लिख सकते थे, दो को क्या लिख सकते थे दो की पावर वन। तो यहां जो पावर होती है ना बच्चे, जो पावर होती है वो हमें एक चीज बताती है कि हमें कितने स्थान लेने हैं, हमें राइट हैंड साइड से जो भी संख्या लिखी है उसके राइट हैंड साइड से कितने स्थान लेने। यहां एक पावर है तो हम लोग राइट हैंड साइड से सिर्फ एक ही स्थान चुन पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे चार के रूल में क्या होगा, चार का रूल में होगा दो की पावर दो लिख सकते हैं, तो मतलब हम लोग राइट हैंड साइड से कितने स्थान ले सकते हैं, दो स्थान ले सकते हैं। राइट हैंड साइड से कितने स्थान ले सकते हैं, कितनी डिजिट ले सकते हैं, दो डिजिट ले सकते हैं। और उन दो डिजिट को चेक किससे करेंगे, चेक किससे करेंगे, जिसका रूल होगा उसी से चेक करेंगे, मतलब चार से चेक करेंगे। मतलब अगर हम लोग 76 को चार से चेक करके देख लें, चार एकम चार हो गया, यहां बचा तीन, 36, चार नवैया 36, ठीक है ना, और ये पूरा पूरा कट गया, मतलब शेष कुछ नहीं बचा। अगर अगर हमारी दो डिजिट जो हमारी इकाई के स्थान से दो डिजिट अगर चार से पूरी तरह कट जा रही है चार के रूल में, तो ये जो पूरी संख्या लिखी हुई है ये भी चार से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। आपको इतनी पूरी संख्या चार से डिवाइड करने की चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतनी सी बात थी, बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन अभी हम इसका लेवल कैसे बढ़ाएंगे ये समझिएगा। मैंने बोला यहां पे एक मैंने बस इतना सा लिख दिया, यहां 77 लिख दिया, यहां मैंने 77 लिख दिया, ठीक है ना, ये मैंने कर दिया बेसिकली। अब यहां बताइएगा, मैंने बोला कि ये जो संख्या है ये मैंने ऐसे इस तरह से क्वेश्चन दिया बटे चार, इतना क्वेश्चन है ये मेरे सामने क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला कि इसमें शेष बताइए कितना होगा, शेष क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इस पूरी संख्या को चार से चार, पूरी संख्या को चार से डिवाइड नहीं करोगे, सिर्फ दो अंक को पकड़ करके, सिर्फ दो अंकों को पकड़ करके चार से डिवाइड कर दो, और जो शेष आएगा वही पूरी संख्या को चार से डिवाइड करने पे शेष निकल रहा होगा, ठीक है। मतलब अगर हम 77 को चार से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा, चार एकम चार, यहाँ पे तीन हो जाएगा, 37 हो जाएगा, चार नवैया 36, यहाँ हमें एक शेष मिल गया, तो हमारा शेष कितना आ गया, वन आ गया। अगर इस पूरी संख्या को हम चार से डिवाइड करेंगे तो शेष वन आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक था रूल था, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको और हार्ड करते हैं, बताते हैं आठ का नियम क्या है, आठ का रूल क्या है, आठ का रूल, आठ के रूल में क्या है बेसिकली, आठ को क्या लिख सकते हैं बताइए, आठ को क्या लिख सकते हैं, आठ को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए, लिख सकते हैं। तो इससे आप क्या पता चल रहा है, आपको एक क्रम पता चल रहा होगा, 2 4 8, अब 8 के बाद 16 आ जाएगा, ठीक है। एक क्रम क्या पता चल रहा है कि ये पावर क्या दर्शा रही है, पावर दर्शा रही है मतलब जो भी हमारे पास संख्या लिखी होगी, मान लीजिए हमारे पास संख्या इस तरह से लिखी हुई है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये है 7 8 9 9 5 4 7 3 2 4 1 0 5, ठीक है, 9 4 512, इस तरह से मैं कोई अलग संख्या लिख दी हूं मैंने। मैंने बोला क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, क्या ये संख्या पूरी पूरी 8 से डिवाइड है, तो आप कैसे पता करोगे भाई, इस पूरी संख्या को 8 से थोड़े ना डिवाइड करोगे, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो पावर हमें क्या बताती है कि हमें राइट हैंड साइड से कितने डिजिट लेने हैं, तो हमें पता चल रहा है राइट हैंड साइड से हमें 3 डिजिट लेने हैं, क्योंकि पावर 3 है इसलिए 3 डिजिट ले रहे हैं। मतलब हम इन 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर 8 से डिवाइड करोगे बेसिकली 512 को, तो बेसिकली डिवाइड हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना, 64 आ जाएगा, क्योंकि 8 का क्यूब है, 512 जो है वो 8 का क्यूब है, ठीक है। तो बेसिकली 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, मतलब अगर 512 जो हमारी 3 डिजिट ली है मैंने वो 8 से डिवाइड हो जा रही है, तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे इस तरह से क्वेश्चन लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 513 लिख देता हूं, कोई और संख्या लिख देता हूं, ठीक है, 513 लिख दिया। अब यहां पे आप करिएगा, यहां पे मैंने बोला इसको 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, इसको मैंने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा। अब ये पूरी संख्या को आप 8 से डिवाइड नहीं करोगे, मैं आपको रूल बता चुका हूं, अब आप क्या करोगे, सिर्फ 513 को, सिर्फ 513 को 8 से डिवाइड करके देखोगे, 513 को 8 से डिवाइड करोगे, जरा करिए, 8 × 45 8 × 48 हो गया, यहां बचा 3 और 33, 8 × 4 = 32, ठीक है, शेष कितना बचा, 1 बचा, शेष कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ 1 बचेगा। अगर इस पूरी संख्या को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। कैसे निकाला हमने, उस तरह से निकाला, समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा यही क्रम 2 4 8, अब 16 का बताइए क्या होगा, जो अगर मैं 16 का रूल बताऊं, 16 का रूल क्या होगा,
16 का रूल क्या होगा, तो 16 को क्या लिख सकते हो बच्चे आप लोग, 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 16 को क्या लिख सकते हो आप लोग 2 की पावर 4 लिख सकते हो। अच्छा एक बात है, कुछ लोग शेयर वेयर नहीं करते हैं तो शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है ना आप लोग। हाँ चलिए ठीक है, कुछ बच्चे अच्छा देखें, कुछ बच्चे शेयर वेयर नहीं करते हैं तो शेयर वेयर कर दिया करो यार, ठीक है ना, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों से, जितना आप लोग बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। सोलह को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अच्छा अगर कोई संख्या इस तरह से बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है और 16 से डिवाइड करने को बोला गया है तो कैसे चेक करेंगे, अरे भाई उसके 4 अंक ले लेंगे, राइट हैंड साइड से हम लोग सिर्फ 4 अंक ले लेंगे और 4 अंक को 16 से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर वो 4 अंक 16 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। और रिमाइंडर थ्योरम भी उसी तरह से लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम भी उसी तरह से लगाएंगे, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैंने 2 का कराया, 4 का कराया, 8 का कराया, 16 का कराया, 32 का इसी तरह हो जाएगा, ठीक है, 64 का हो जाएगा, 128 का हो जाएगा, 256 का हो जाएगा, 512, 1024, 2048, सबका करते रहेंगे आप, ठीक है। आप लोग इस तरह से समझ गए होंगे कि मैंने किस तरह से कराया है, ठीक है। तो बेसिकली जो हम लोग लेवल 1 से चल रहे हैं और ठीक है, और लेवल जितने हार्ड तक जा सकते हैं वहां तक चलेंगे। एक्चुअली में मैंने आपको लेवल 1 से नहीं कराया, लेवल 0 से, आप समझिए एकदम ग्राउंड लेवल से, ठीक है ना, पाताल से लेकर के मैंने आपको आसमान तक कराया है, ठीक है। और शेयर वेयर कर दिया करो यार, तुम लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है ना, दोस्तों से शेयर नहीं करते, बताओ दोस्तों से आप लोग छुपाते हो अपनी नॉलेज, ठीक है। नॉलेज को कभी किसी से छुपाना नहीं चाहिए, आप जितना बांटोगे ना उतनी बढ़ेगी। मैं आपको बताता हूं, मैं देखिए हर किसी का यह सोचना होता है कि बेसिकली वो दूसरों को ना पता चले, वो दूसरे जान जाएंगे तो बेसिकली फिर मेरा कंपटीशन कम हो जाएगा, आपका कंपटीशन जानते इसी मानसिकता की वजह से कम रह जाता है, बेसिकली समझिएगा बच्चे। देखिए जो आदमी सक्सेसफुल जानते कब होता है, जब वो पूरी ईमानदार होता है। देखिए मेहनत हर जगह होती है, मेहनत आप भी कर रहे हो, दूसरा बच्चा भी कर रहा है, तीसरा बच्चा भी कर रहा है, सब कोई मेहनत कर रहा है, पर सक्सेस वो होता है ना जो ईमानदार होता है। अगर आपके अंदर ईमानदारी है ना तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल होगे, ठीक है ना। मेहनत हो सकता है थोड़ी सी कम चले लेकिन आपकी ईमानदारी आपको जितवा देगी हमेशा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, अभी मैंने 2, 4, 8, 16, 32, 64 किस तरह पढ़े, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ 5 का रूल, जो हम लोग 5 का रूल पढ़ेंगे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। थोड़ी सी क्लास आज लंबी रखूंगा मैं, ठीक है ना। 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है समझिएगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई भी संख्या दी गई हो आपके सामने, उसके अगर यूनिट डिजिट 0 है या 5 है, ठीक है ना, मतलब कहने का बेसिकली मतलब है जो यूनिट डिजिट है वो 5 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे 5 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1। अब आप लोग समझ गए होंगे, जो हमने 2, 4, 8, 6 में लगाए, 2, 4, 8, 16 में लगाए, उसी तरह 5 में भी लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपकी कोई संख्या लिखी यहाँ पे 5, 4, 4, 9, 7, 3, 2, 0, 9, 9, 9, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, यहाँ 5 नहीं लिखता था, यहाँ 0 लिख देता हूँ। मैंने बोला क्या ये संख्या 5 से पूरी तरह डिवाइड है, क्या ये संख्या 5 से पूरी तरह डिवाइड है, तो आपको क्या करना है, 5 हमने 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 की पावर 1 क्यों मैं बता रहा हूं, 2 में मैंने क्यों बताया, 5 में क्यों बताया, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। आप कहोगे 3 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 3 का रूल थोड़ा सा अलग लगता है, ठीक है ना, 3 का जो रूल है वो थोड़ा सा अलग लगता है, 2 और 5 एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो 2 और 5 के जितने भी मन जाएंगे उनकी घात में, ठीक है, वो हम लोग एक जैसे रूल होंगे। मतलब 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, और 5 की पावर 1 का मतलब होता है, मैंने आपको बताया, सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट हमें पकड़ लेनी है, इसकी यूनिट डिजिट पकड़ लेनी। आप यूनिट डिजिट को आप 5 से डिवाइड करके दे दो, 5 से डिवाइड किया, आप कहोगे डिवाइड तो हो नहीं रहा, कहे नहीं डिवाइड हो रहा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया और क्रॉस, मतलब ये जो पूरी संख्या है ये 5 से डिवाइड हो जा रही है। क्यों डिवाइड हो जा रही है, क्योंकि हमारी जो यूनिट डिजिट है वो 5 से डिवाइड हो जा रही है। एक और आप चीज कह सकते हैं, अगर इसकी यूनिट डिजिट किसी की संख्या की यूनिट डिजिट या तो 0 है या तो 5 है, या तो 0 है
या तो 5 है, अगर ये दोनों संख्याएं हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। एक बात मैं आपको बताता हूं, आप 5 है पहाड़ा पढ़िए एक बार, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 6 को 20, ठीक है, 50 25, जितने भी पहाड़े पढ़ेंगे आप देखोगे सबकी यूनिट डिजिट या तो 0 आ रही होगी या तो 5 आ रही होगी, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं रही होगी। 5 का पहाड़ा कुछ भी पढ़ो उसकी यूनिट डिजिट, जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 0 होगी या तो 5 होगी, उसके अलावा कुछ होगी ही नहीं, ठीक है। तो हमें एक बात पता चली, कोई भी संख्या हो अगर वो 5 से डिवाइड करके देखना हो तो या तो उसके इकाई के स्थान पे 0 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। अगर यहां रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर हमें पता चल रहा है, रिमाइंडर भाई क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रिमाइंडर की थ्योरम की, थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर मैंने इसकी जगह यहां पे लिख दिया 7 लिख दिया, 7 लिख दिया, ठीक है, 7 लिख दिया, अब इसको ये हमारे क्वेश्चन दिया गया है कि इतना बटा 5, तो ये बताइए क्या ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, नहीं डिवाइड होगी, क्योंकि इकाई का जो स्थान है वो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 आ रहा है, ठीक। तो अब बताइए यहां पे पूछ लिया जाएगा रिमाइंडर क्या है, यहां पे पूछ लिया जाएगा रिमाइंडर क्या है, तो आप इतनी पूरी संख्या को 5 से डिवाइड नहीं करोगे, अब इसके खाली यूनिट डिजिट को सिर्फ 5 से डिवाइड करोगे। तो यहां पे अगर 7 को 5 से डिवाइड करते हो बेसिकली तो 5 एकम 5 और 2 आएगा, ठीक है, तो रिमाइंडर यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2, मतलब इतनी पूरी संख्या को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे आएगा, हम लोगों ने छोटी सी ट्रिक पढ़ ली है कि 7 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, बेसिकली ये कुछ लोग ट्रिक कहते हैं, ये ट्रिक नहीं है बेसिकली बच्चे, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। क्यों कॉन्सेप्ट है आप समझिए, अगर 5 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, आप इसकी सबकी यूनिट डिजिट देखो ना, यूनिट डिजिट देखो, या तो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, उसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, इसीलिए कॉन्सेप्ट बना हुआ है। लोग कहते हैं देख हमने देखो ट्रिक निकाल दी, अरे तुमने ट्रिक नहीं निकाली है, ये ट्रिक पहले ही से थी, आज से 50 साल पहले भी ट्रिक थी, ठीक है ना। मैं देखता हूं अक्सर लोग यूट्यूब पे बोलते हैं कि आइए 2 सेकंड में एसएससी निकालना सीखे, 3 मिनट में एसएससी निकालना सीखे, और ये भी बोलते हैं कि अगर इन क्वेश्चनों को नहीं करके गए तो पछताओगे, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे इतना ही पछताना तो भाई तो पछता ही लो भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं 25 के डिविजिबिलिटी रूल की, जो सेकंड हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड रूल हम लोग पढ़ेंगे 25 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे मेरा कहना, 5 4 7 9 7 7 7 9 9 9 5 4 7 8 125, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। मैंने बोला क्या ये संख्या 25 से पूरी तरह डिवाइड होगी, क्या ये संख्या 25 से पूरी तरह डिवाइड होगी, बताइए क्या ये संख्या 25 से पूरी तरह डिवाइड होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 की पावर 2 हमें क्या बता रही है, 5 की पावर 2 हमें बता रही है कि हमें राइट हैंड साइड से 2 डिजिट ले लेनी है, 2 डिजिट ले लेनी है, ठीक है। और इनको चेक किससे करना है, चेक 5 से मत करिएगा बच्चे, जिसका डिविजिबिलिटी रूल है उसी से चेक करते हैं, मतलब 25 से चेक करेंगे। जो हम लोग इस जो हमने ये लिया है, ये जो 25 है, इसको चेक किससे करेंगे, 25 से ही चेक करेंगे, ठीक है, 25 से कम 25, तो कट गया। जब कट जा रहा है शेष कुछ नहीं बच रहा है, तो हाँ ये पूरी संख्या भी 25 से डिविजिबल है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अगर रिमाइंडर की बात करते हैं, यहाँ रिमाइंडर की बात करते हैं, तो रिमाइंडर आ जा रहा है 0, रिमाइंडर कितना जा रहा है 0। अच्छा मैं आपके सामने यहाँ पे अभी 20 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने चलिए 27 लिख दिया, ठीक है, 27 लिख दिया। अब मैं पूछता हूँ कि इस पूरी संख्या को अगर 25 से डिवाइड करूंगा तो इस रिमाइंडर क्या आएगा। अब इस पूरी संख्या को आपको 25 से डिवाइड नहीं करना है, अब क्या करना है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 डिजिट हमने ले ली, 2 डिजिट क्या थी, 27 थी हमारी, तो 25 से कम 25 बचा, और शेष क्या बच गया, 2 बच गया, तो यहां पे हम लोग रिमाइंडर कह सकते हैं, रिमाइंडर 2 बच गया हमारा, ठीक है। इतनी सी बात थी, बहुत छोटी सी बात थी, ठीक है ना, ये कोई आपको इतना नहीं पढ़ाता, ठीक है ना, आप लोगों को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के बता देते, बाकी को कोई नहीं बताता, बाकी के सब मैं बताऊंगा आज, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं 125, अब आप कहोगे कि आप इतना क्यों पढ़ा रहे हो, बेसिकली आपके रिमाइंडर थ्योरम में कोई लिमिट नहीं है बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम बहुत भयंकर वाली आती है, बहुत भयंकर वाली, ठीक है ना। लेकिन आपने अगर सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना, बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, अभी एक और कॉन्सेप्ट होगा, फिर एक और कॉन्सेप्ट होगा, 3 कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। तो मैं तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद आपसे जो आपके रिमाइंडर थ्योरम है उसके कोई क्वेश्चन नहीं बचेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सवाल तो आप लगा ही लोगे, ठीक है,
125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है, कोई भी संख्या दे दी गई, कोई भी संख्या हमारे सामने दे दी गई है, ठीक है, और बोला गया ये 125 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी बताइए, तो आप क्या करोगे, पावर जो 3 है वो हमें बताती है कि हमें यहां से 3 अंक लेने हैं, मतलब राइट हैंड साइड से हमें कितने अंक लेने हैं, 3 अंक लेने हैं, और 3 अंकों को किससे चेक करेंगे, 125 से चेक करेंगे, 3 अंकों किससे चेक करेंगे, 125 से। अगर 3 अंक 125 से पूरी तरह कट जा रहे हैं तो भाई पूरी की पूरी संख्या भी जो दी है वो भी 125 से कट जाएगी। अगर रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं तो सिर्फ 3 अंक लेकर के 125 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर पता चल जाएगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे 125 में फिर 5 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 625। तो चौथा रूल जो हमारा होगा वो 625 का होगा। 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोगों को 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया होगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पे कि मैं 500 घंटे पढ़ा सकता था नंबर सिस्टम। अरे 500 घंटे क्या, कितने भी घंटे पढ़ाते रह जाओ उससे क्या फायदा है, ठीक है। मैं भी चाहता तो आपका जो जो नंबर सिस्टम है ना 2 लेक्चर में खत्म कर देता, 2 लेक्चर में आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है, 2 लेक्चर में खत्म कर देता आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दूं, मैं सारे कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दूं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल। हेडिंग ना लीजिए डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अच्छा 3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है समझिएगा। अगर आप लोगों को पता भी होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिख दी 3, 6, ठीक है, 4, 5, 7, 2, ठीक है, इस तरह से 8, 1, ठीक है, और इसको 3 से डिवाइड किया, मैंने पूछा क्या ये संख्या जो है वो 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, तो आप लोग क्या करने लगते हो, बेसिकली आप क्या करने लगते हो, इसको पूरी संख्या को 3 से डिवाइड करने लगते हो, जो बेस मेथड से करते हैं, और कुछ लोग जानते भी हैं तो वो भी क्या करते हैं, बेसिकली मैं बताता हूँ क्या करते हैं, इन सारी संख्याओं को आपस में जोड़ने लगते हैं, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सबको जोड़ने लगते हैं, ठीक है, जोड़ने लगते हैं, और बात में कहते हैं जो जोड़ आता है फिर उसको भी जोड़ देते हैं आपस में, मतलब सिंगल डिजिट में बना लेते हैं, और सिंगल डिजिट में बना के कहते हैं कि हाँ ये 3 से कट रही होगी या नहीं कट रही होगी। अब देखिए जो लोग सेकंड मेथड अपनाते हैं वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इन संख्याओं को जोड़िए जरा, तो 6, 3, 9 हो गया, 5, 4, 9 हो गया, 7, 2, 9 हो गया, 9 हो गया, तो 36 आ गया, जोड़ने पर कितना आ गया, 36 आ गया, 36/5, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, ठीक है। इनको भी आपस में फिर जोड़ दीजिए, तो 6, 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 9/3 हो गया, तो क्या 9 जो है वो 3 से कट रही है, हाँ मैं कह सकता हूं कि जो 9 संख्या है वो 3 से पूरी तरह कट रही है, लेकिन हमको जोड़ना नहीं है, क्योंकि जोड़ने में भी समय चला जाता है, जोड़ने में भी समय चला जाता है। हम लोग इसका थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसमें क्या करेंगे हम लोग, वही चीज है, एकदम सेम चीज है, लेकिन पढ़ने का नजरिया थोड़ा सा दूसरा है, कैसे करेंगे देखिएगा हम लोग। अब हम लोग जोड़ने वाला खेल नहीं खेलेंगे, ठीक है, जोड़ने वाला खेल नहीं खेलेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्या है पहले देखेंगे कौन सी जो संख्या है वो 3 का मल्टीपल है, क्योंकि हम लोग अभी 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, पहला जो रूल पढ़ रहे हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, तो 3 के हम लोग पहले जानेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं तो 3 का जानेंगे, जो 3 के मल्टीपल में कोई भी संख्या हो वो तो अपने आप हट जाएगी ना, वो तो अपने आप कट जाएगी, तो देखा ये जो 3 है 3 मल्टीपल में आ रहा है 3 के, हट गई, काट हटा दीजिए, 6 भी हट गई, ठीक है ना, अब कोई संख्या नहीं हट रही है। लेकिन अभी आपने एक चीज करी थी, आपने जोड़ा था तो इसमें भी जोड़ सकते हैं, 8 को 1 से जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 8 1 जोड़ा 9 आ गया। हमें हमेशा देखना है जो 3 के मल्टीपल में कुछ भी हमें जोड़ने पे आना चाहिए, तो हमें देखा 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, और 9 जो है 3 से पूरी तरह कट रहा है, तो इसको भी हटा दीजिए, ये भी हट जाएगा। अच्छा 7 और 2 को जोड़िए, 7 और 2 को जोड़ा कितना आया, 9 आया, और 9 भी जो है वो 3 के मल्टीपल में आता है, तो इसको भी हटा सकते हैं हम लोग। 5 और 4 को जोड़ दीजिए, 5, 4 भी कितना आया, 9 आ गया, तो उसको भी हटा दीजिए। मतलब इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं बची जो बच जाए आखिरी में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 0/3, मतलब शेष कितना आया, शेष आ गया हमारा 0, शेष कितना आ गया, शेष आ गया 0। और मैंने आपको बताया था जब शेष 0 आ जाए तो बेसिकली क्या होती है, ये संख्या पूरी 3 से डिवाइड होती है, ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब बेसिकली क्या करना है, शेष हमें शेषफल इसी तरह ज्ञात करना है, शेषफल जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मैंने बोला 1001, क्या ये 3 से पूरी तरह डिवाइड है, क्या ये पूरी तरह 3 से डिवाइड है,
तो आप संख्याओं को जोड़िए, ठीक है, जोड़ दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ रहा है तो एक और एक जोड़ रहा है, दो हो गया 2/3, ठीक है, 2/3 है। क्या दो संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड होगी? नहीं डिवाइड होगी भाई। और शेष कितना बच जाएगा? यहां पे अगर हम लोग शेषफल की बात करेंगे, रिमाइंडर की बात करेंगे, तो शेष या रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने बहुत आसानी से पता कर लिया कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक। आगे बात करते हैं, इसी तरह रूल लगेगा 9 का। अब हम लोग अगला जो रूल पढ़ेंगे वो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जैसे हम लोग ने 3 में पढ़ा था वैसे ही 9 का, लेकिन 9 में अच्छी बात क्या होगी, जो भी जोड़ होगा वो 9 के मल्टीपल में होना चाहिए। यहां जो था वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए जितना जोड़ था, लेकिन यहां पे जो जोड़ होना चाहिए वो 9 के मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे लिखा, यहां पे लिखा, मैंने लिखा 4, 3, ठीक है, 7 और फिर 5, फिर यहां पे लिख दिया मैंने 8, फिर यहां पे 6, फिर यहां पे 1, ठीक है। इस संख्या को मैंने 9 से डिवाइड किया, इस संख्या को मैंने 9 से डिवाइड किया। क्या ये संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड होगी? यहाँ पे भी कुछ लोग क्या करते थे, पहले जोड़ इन सारी संख्याओं को जोड़ते थे और फिर बाद में 9 से डिवाइड करते थे, ठीक है ना, और पता करते थे कि यह संख्या 9 से डिवाइड है क्या नहीं है। लेकिन हमें नहीं, ऐसा नहीं करना, हमें भी यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी रखना है। हमें कोई ऐसी संख्याओं को सब जोड़ना है जो संख्या 9 हो जाए या 9 के मल्टीपल में आ जाए। तो हमने देखा ये 5 है और ये 4 है, ये संख्या 5 है और ये 4 है, तो 5 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये संख्या हटा दीजिए, 9 आ जाए या 9 के मल्टीपल में आ जाए उसको हटा दीजिए। अच्छा 8 है और ये 1 है, 8 है और ये 1 है, 8 और ये कितना हो गया, 9 हो गया, हट गई संख्या। अच्छा ये 6 है और ये 3 है, 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ये हट गई संख्या। अब हमारे पास क्या बचा, 7 बचा, हमारे पास क्या बचा आखिरी में, 7/9। क्या 7 कट रही है 9 से? नहीं कट रही है। और शेषफल, अगर हमें शेषफल पता करने का, तो शेष क्या हो जाएगा, शेष 7 हो जाएगा। शेष कितना हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग रिमाइंडर पता करते हैं, रिमाइंडर हम लोग इसी तरह पता करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात थी आप लोगों की, आगे बात करते हैं, आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग और भी डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे और रिमाइंडर थ्योरम भी उसके साथ साथ जानते रहेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा, आज एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना, क्लास लंबी नहीं हुई तो आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा अब लेवल थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा, ठीक है, जितना पहले मैं शुरुआत में था वो नहीं रहेगा कि मैं हर वक्त बच्चा बच्चा वाला बताता रहूँ आप लोगों को। अभी तक हम लोगों ने किसके किसके डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं, 2 के पढ़े हैं, 3 के पढ़े हैं, 4 के पढ़े हैं, 5 के पढ़े हैं, 6 के नहीं पढ़ा, 6 का भी नहीं पढ़ा, 7 का नहीं पढ़ा, 8 का पढ़ लिया है, 9 का पढ़ लिया है और 10 का भी पढ़ लिया है। अच्छा 10 का कैसे पढ़ लिया भाई? अरे 10 कोई भी संख्या आपकी लिखी होगी, कैसे पता चलेगा वो 10 से कट जा रही? अरे भाई 10 लिखा हुआ है, किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 0 है, यूनिट डिजिट सिर्फ 0 होना चाहिए, मतलब कोई भी संख्या लिखी है उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट। अब ये क्लास उनको कभी समझ में नहीं आएगी जिन्होंने अभी तक यूनिट डिजिट नहीं पढ़ाया है, ठीक है। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो संख्या बेसिकली क्या है, 10 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिएगा। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल इतना सा था। अब 6 से पढ़ते हैं, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 6 से डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, बस समझिएगा। अगर 6, देखिए 6 अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, 6 अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 का अपना कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। उन संख्याओं का अपना कोई अहम क्या बोलते हैं, उन संख्याओं का अपना कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता जो संख्याएं प्राइम नहीं होती हैं। अब आप बोलोगे सर तो 4 भी तो प्राइम नंबर नहीं थी, 8 भी तो प्राइम नंबर नहीं था, 9 भी तो प्राइम नंबर नहीं था। बेसिकली आपने समझा नहीं, मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया ना, 2 से 4 जो है, 4 का अपना कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, 4 रिलेट करता है 2 से, 8 रिलेट करता है 2 से। कैसे रिलेट करता है, अरे 8 को 2^3 लिख सकते हैं, इसलिए उनके डिविजिबिलिटी रूल इस तरह से थे, ठीक है ना। अच्छा 25 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 25 का अपना डिविजिबिलिटी रूल कैसे हो गया, 25 का अपना कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है,
5 का अपना एक डिविजिबिलिटी रूल है और 25 को हम लिख सकते हैं 5^2 लिख सकते हैं, मतलब प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमने 25 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया। अब 6 का अपना कोई डिविजिबिलिटी रूल है नहीं, तो 6 को कैसे करेंगे समझिएगा, 6 को हम 2×3 लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 2 प्राइम नंबर तोड़ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। मतलब अगर हमें पता करना होगा कोई संख्या हमारे सामने दी है और पता करना है कि ये वो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, दोनों से कटनी चाहिए तभी वो 6 से पूरी तरह डिवाइड मानी जाएगी। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं 3, ठीक है, यहां पे 4 2 और यहां पे 5 1 और 2 और यहां पे 12 लिख देता हूं 1 2। ठीक है, और मैं इसको लिखता हूं 6 से, ये मैंने संख्या आपके सामने लिख दी और मैंने बोला क्या ये संख्या 6 से पूरी तरह डिवाइड है, तो आप लोगों को अब चेक नहीं करना है, इसे 6 से काट काट के नहीं देखना है, अब आपको देखना है कि ये जो संख्या लिखी हुई है, ये बेसिकली जो संख्या लिखी हुई है ये 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी, दोनों से कटनी चाहिए तभी ये 6 से कटेगी। अब मान लीजिए अभी तो मैंने एक बहुत छोटी सी संख्या लिखी, अभी आपके सामने बहुत लंबी चौड़ी संख्या दे दी जाएगी, तब क्या करेंगे, तब क्या 6 से काट के देखेंगे उसे, नहीं, तब 6 से नहीं काटना है, आपको देखना है 2 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए। अच्छा, 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका इकाई का स्थान देख लेना है। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सिर्फ आपको संख्या का इकाई का स्थान देख लेना है, अगर वो संख्या 2 से पूरी तरह कट जा रही है तो 6 से भी कट जाएगी, मतलब 2 से कट, पहले 2 से चेक कर दें, तो हाँ देखा भाई ये जो इकाई का अंक है ये 2 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी, मतलब हमें ये पता चल गया जो संख्या है 2 से पूरी तरह कट जा रही है। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 को चेक करने का हमने तरीका बताया था कि 3 के या 3 के मल्टीपल में जो भी संख्या आती है उसको हटाते जाइए, 3 हट गई, ये 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, कट गई, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, हट गई, और 2 1 इसको काटेंगे तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 भी हट गई, मतलब ऊपर कुछ नहीं बचा, शेष 0 बचा, और शेष 0 बचने का मतलब है वो संख्या 3 से भी पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, इतनी सी बात थी, अगर ये संख्या 2 से और 3 से पूरी तरह विभाजित हो रही है तो 6 से भी विभाजित होगी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 6 से भी पूरी तरह विभाजित है। समझ गए होंगे आप लोग, एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, अभी मैंने 7 का नहीं बताया आपको, 7 का मैं अभी बताऊंगा भी नहीं, ठीक है, 7 का भी बताऊंगा भी नहीं, 7 का मैं तब बताऊंगा जब आपको मैं रिमाइंडर थ्योरम काफी कुछ पढ़ा चुका हूंगा, तब मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, जरा एक बात समझिएगा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मैंने आपसे लिखा है इस तरह से लिखा है 2 4 5 9 8 × 7 4 9 2 8 6, ठीक है, × 52 × 72, ठीक है, और मैंने इसको बोला है कि ये 2 से डिवाइड। अब आप बताइए फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग। देखिए क्या होता है बेसिकली, रिमाइंडर थ्योरम जैसे चलती है वो अलग अपना एक तरीका होता है। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम की पूरी बात होगी, जो भी क्वेश्चन में करा रहा हूँ उसमें आप लोग नोट पहले ही कर लीजिएगा कि फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम, मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि जो भी हमारे पास ऊपर चीज लिखी हुई है उसको 2 से डिवाइड करना है। अब आप कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे, फिर इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे, फिर इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे, मतलब पूरा गुणा करके ले आएंगे उसको, फिर 2 से कहाँ करेंगे। ठीक है, ये हमें काम नहीं करना है, ये हमें काम नहीं करना है। अब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, बेसिकली जो संख्या है ना इसको पहली बात इससे चेक करेंगे, जो ये संख्या है इसको इससे चेक करेंगे, और जो ये संख्या है इसको इससे चेक करेंगे, और जो संख्या है इसको इससे चेक करेंगे। ठीक है, मतलब इसका रिमाइंडर इससे जो आएगा वहाँ यहाँ लिख देंगे, इसका रिमाइंडर इससे जो आएगा यहाँ लिख देंगे, और इसका रिमाइंडर यहाँ जो आएगा इससे यहाँ लिख देंगे, और इसका रिमाइंडर यहाँ जो आएगा इससे लिख देंगे। ठीक है, एकदम सेम उसी तरह चलेगा। अगर ये संख्या बताइए, ये संख्या को इससे भाग करते हैं, इस संख्या को 2 से भाग करते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा बताइए, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जा रही है, कैसे, यूनिट डिजिट इसकी क्या है, यूनिट डिजिट इसकी 2 से डिवाइड हो रही है, इसको देखेंगे 2 से, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताइए आप लोग, रिमाइंडर आ जाएगा बेसिकली 0 आ जाएगा, कैसे, क्योंकि इसकी भी यूनिट डिजिट जो है वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है, इसमें देखेंगे तो इसकी भी यूनिट डिजिट जो है वो पूरी तरह 2 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब इसका भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और इसका भी रिमाइंडर इस तरह से 0 आ जाएगा, और बटे 2 इसी तरह करते हैं, बटे 2 भी लगा दीजिएगा। ठीक है ना,
अब आपको पता है ऊपर जीरो जीरो है, तो जीरो को जैसे मल्टीप्लाई करें जीरो ही आता है अपॉन टू, तो हमारा यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर टू है। मैंने आपके सामने लिखा कि यहाँ पे 1001 इंटू 1002 इंटू 100 यहाँ पे आपको लिख दिया मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, और डिवाइड किया 3 से, ठीक है। मैंने बोला फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए। देखिए बेसिकली यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस संख्या को जितनी भी संख्याएं हो इससे चेक करेंगे, इस संख्या को इससे चेक करेंगे और इस संख्या को इससे चेक करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा अपनी अपनी जगह लिखते चले जाएंगे और जो निशान लगा हुआ है वो निशान लिखते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको 3 से चेक करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आप लोग बताइए। मैंने आपको बताया था संख्याओं को ऊपर जोड़ा जाता है, संख्याओं को ऊपर जोड़ा जाता है, तो जोड़ने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, ठीक है, क्रॉस लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है। 3 से सब चेक हो रही है, सब कैसे चेक हो रही है, 3 से 2 1 इसको जोड़ा तो कितना आ गया, 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिए 2 1 3 आ गया। अब यहाँ पे 2 1 3 तो पूरी तरह कट जा रहे हैं 3 से, मैंने आपको बताया ना कि 2 1 3 तो पूरी तरह 3 से 3 के मल्टीपल में होते हैं, तो शेष कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे शेष कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक। यहाँ पे आगे अब 4 1 5, अब आगे जोड़िए 4 1 5 हो गया, तो 5/3 हो गया, ठीक है, 5/3 हो गया। इतना सवाल समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ये अगर ये बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 0/3 रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। बहुत आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा वो पिछले डिविजिबिलिटी रूल एक बार जाके पढ़ें, ठीक है, उनको समझें, और रिमाइंडर थ्योरम किस तरह से हो रही है ये भी जानें। अगर इसका इससे डिवाइड करना है तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा, इसका जो रिमाइंडर होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है, इसका जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ आएगा, इसका जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ आएगा, मतलब तीनों का रिमाइंडर इसी तरह से लिखा जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं इस तरह से, मैंने लिखा 1002 प्लस 1001 प्लस 1004, ठीक है, इसको 3 से डिवाइड किया। अब बताइए फाइंड द रिमाइंडर, बताइए क्या होगा, फाइंड द रिमाइंडर क्या होगा। मैंने आपको बताया है कि जो भी संख्याएं हमारी लिखी होती हैं, जो भी टर्म्स होते हैं, उनको हम लोग इससे 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 कंपेयर करते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर निकालते हैं। बोला इसको पहले इससे देख करके रिमाइंडर निकालेंगे, फिर इसको इससे देख कर रिमाइंडर निकालेंगे, फिर इसको इससे देख कर रिमाइंडर निकालेंगे, और जो बीच में प्रोसेस लग रहा होगा वो प्रोसेस जरूर लगाइएगा। अगर इसको 3 से करते हैं तो यहाँ पे हमें आ जा रहा है 2 1 3, 2 1 3 हो जा रहा है, और हमें जोड़ने पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मतलब 0 हो जाएगा रिमाइंडर, क्या मिलेगा 0। यहाँ पे हमें जोड़ने पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और 2 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 3 रहेगा, ठीक है, ये बात आधे लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे गुणे का निशान नहीं लगाया है, यहाँ पे प्लस का लगा हुआ है, तो 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7/3 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे ये नहीं करके देखना है कि यहाँ पे ऐसे करके देख रहे हैं, वो आकृति बना के देख रहे हैं, आकृति नहीं बनानी। अब 3 2 6 और 1 7, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग करते रहिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। अभी रिमाइंडर थ्योरम का पहला कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को आज बताया है, रिमाइंडर थ्योरम के 2 कॉन्सेप्ट और बाकी हैं और वो थोड़े से और अच्छे हैं, ठीक ना, थोड़े से और अच्छे लेवल के हैं, इसको थोड़ा सा करिएगा आप लोग, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिएगा, और लाइक या शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है ना। लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो आप लोग, ठीक है ना, लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।